दोस्तों आज है महाशिवरात्रि, तो आज हम लोग जा रहे हैं शिवनाथ नदी दुर्ग शिव जी के दर्शन करने, और आपको भी दिखाते हैं कैसा होता है यहाँ पे दुर्ग शिवनाथ नदी दुर्ग भिलाई का कैसा होता है। यहाँ नदी है बड़ा शिवनाथ नदी, वहाँ पे मंदिर है, मुक्ति धाम है, तो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी भीड़ आता है। तो देखते हैं, बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। हम लोग आए हुए हैं शिवनाथ नदी, आज महाशिवरात्रि, प्रणाम प्रभु, तो हम लोग पहुंच चुके हैं शिवनाथ नदी। और क्या है कि हम लोग पहले मंदिर जाएंगे, और भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो हम लोग पहले मंदिर चढ़ जाएंगे, उसके बाद हम लोग नदी के उस पार जाएंगे। उस पार भी मंदिर है और काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी भीड़ भी लगता है बहुत, तो उस पार जाएंगे हम लोग। पहले इस पार का दर्शन कर लेंगे, उसके बाद उस पार जाएंगे। भीड़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, नदी में चलने के लिए जगह तक नहीं। और यहाँ ये भीड़ को देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। इस पार नदी है, फिर वो इस पार मंदिर है, और नदी के उस पार भी मंदिर है। उधर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, शिवरात्रि में चलने को भी जगह नहीं मिलता, अभी मंदिर में पता नहीं घुसने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं मंदिर के अंदर, जो मंदिर नदी के इस पार है, उसके बाद हम लोग उस पार जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मंदिर के अंदर कितना ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे खड़े होने तक का जगह नहीं रहता, और हर साल ही ऐसा होता है। मतलब अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा कम है, लेकिन पहले और ज़्यादा भीड़ होता था, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा से यहाँ पे पूजा करते हैं, और बहुत अच्छा जगह है ये दुर्ग में। तो देख सकते हो आप कितने ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, ये दिन भर भीड़ ऐसे ही रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं नदी के उस पार, क्योंकि देख सकते हैं उधर अलग मंदिर है, उधर से वाटर जाता है पूरा, मतलब पानी सप्लाई होता है, और ये नदी में हमेशा बाढ़ बाढ़ आ जाता है पूरा बरसात में, तो नदी के ऊपर से पानी चलता है। तो अभी हम लोग जिस मंदिर में थे, वो मंदिर पीछे था, वो सेट था, और अब हम लोग ये नदी पार करके आगे जाएंगे, जो कि आगे भी नदी है। तो हम लोग यहाँ पे नहाने भी आते हैं, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे नहाने में। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस साइड के मंदिर में भी, यहाँ पे अभी देखिए बच्चे लोगों के लिए खेलने के लिए कुछ लगा हुआ है, शिवरात्रि है तो कुछ मेला वेला टाइप का भी हो जाता है यहाँ पे। और फिर इधर पे आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, अभी वो उस साइड के मंदिर में आपने देखा कितना भीड़ था, अभी इधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ से पूरा आप नदी देख सकते हैं, क्या बहुत मतलब अच्छा सीन है यहाँ पे, बहुत हमेशा भीड़ रहता है। अगर शिवरात्रि ना भी हो, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, नहाने, और यहाँ के दुर्ग के वासी लोग यहाँ पे नहाते रहते हैं, और काफ़ी मछली वछली भी पकड़ते हैं यहाँ पे, और हम लोग खुद यहाँ पे नहाने आते हैं, हम लोग पीजी में रहते हैं तो यहाँ पे नहाने आते रहते हैं हम लोग। Thank you.
काफी ज्यादा। भयानक भीड़ है भाई।